ओके सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फुकरे रिटर्न्स के लिए. थैंक यू. हम ऐसी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि 2020 में ट्रिपल फुकरे आएगी. ट्रिपल फुकरे 2020 में जो गई, क्योंकि हम 2013 चार चार साल लेते रहेंगे. 2022 नहीं नहीं चार साल तो लेंगे, लेकिन अगर आपको ये पसंद आई जी बिल्कुल तो अगर आपको तो बहुत ही पसंद आई. हाँ, हमने तो ट्रेलर देखा. हाँ रिटर्न पसंद आई ट्रेलर, वो सुपर लगा. और सुनिए क्या बोल रहे हैं, वो ट्रेलर बहुत पसंद है. जिस तरह से ऑक्टोपस और बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसे 2000 जैसा कि उन्होंने कहा चार साल के बाद, तो 2022 में ऐसी भविष्यवाणी करें ट्रिपल फुकरे. या आप करिए प्रोड्यूसर, आप बताइए आपको हम कैसे रोक सकते हैं भविष्यवाणी करने से. आप करिए तो हम कोशिश करेंगे. सिर देश चूचा करता है, आप उससे पूछिएगा जब भी आप मिलेंगे उससे. पर हम ट्राई करेंगे जरूर, अगर आपको ये पसंद आई तो वी विल ट्राई एंड कीप गिविंग यू मोर. जी तो ऐसा कोई सपना जो आप लोग देखते हैं, क्योंकि हमने ढेरों सारे सपने देखे आर्टिस्ट के, तो आप लोग बताइए कि ऐसा कोई सपना जो आप लोग देखते हैं और आप लोग पूरा होना चाहेंगे 2022. फिलहाल तो मैं आजकल सिर्फ अपना BGM और VFX खत्म होने का सपना देख रहा हूँ. मेरा अभी तो सिर्फ यही चल रहा है नींद में कि ये थोड़ा इधर कर लो, ये थोड़ा उधर कर लो. रितेश जी आप बताइए. मैं तो सपने रोज देखता हूँ, अलग अलग सपने देखता हूँ. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बारे में देखना है. वो फिल्म वर्ल्ड है, एक कहानी है जिसमें आई थिंक जो स्क्रिप्ट के अंदर जो फिल्म के अंदर जो हनी और चूचा करते हैं, लेकिन इसमें फिर अलग है. अब ये सपना नहीं देखते, अब ये कुछ और देखते हैं. जी कि फुकरे की अगर मैं बात करूँ तो हमने उसकी सक्सेस पार्टी भी अटेंड की थी और बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी. तो अब फुकरे रिटर्न्स पे मानते हैं आप लोग कि कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि फुकरे लोगों को बहुत ही अप्रिसिएट की गई. तो आप लोग एज एन प्रोड्यूसर एज एन डायरेक्टर आप लोग मानते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर लोग फिल्म बहुत ही अच्छा कर चुकी है फुकरे. प्रेशर नहीं होता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये जो किरदार है कैरेक्टर्स है जिन लोगों को पसंद आए एंड यू नो दे वॉन्ट मोर ऑफ इट, तो आई थिंक यू हैव टू डिलीवर टू दैट एक्सपेक्टेशन. कि जो हंगर थी कि यार कैन वी गेट मोर ऑफ दिस पीपल. सो आई थिंक आफ्टर वॉचिंग द फिल्म, स्क्रिप्ट हमने पढ़ी थी, बट मैंने फिल्म देखने के बाद मेरे को कहा कि आई एम फीलिंग वेरी सैटिस्फाइड कि यार दिस वॉज वर्दी ऑफ बींग मेड इन टू अ सीक्वल. सो आई एम फीलिंग सैटिस्फाइड पर्सनली. आई डोंट नो, अभी आपको ट्रेलर देखे, आपको ट्रेलर पसंद आया तो आई थिंक दैट्स गुड. होपफुली आपको फिल्म भी पसंद आएगी, और अगर फिल्म भी पसंद आ गई और आपके जैसे बाकी लोगों को, तो वील हैव वन मोर सक्सेस पार्टी जिसमें आप फिर आके इन्जॉय कर सकते हैं. सो लेट्स होप सो. क्या प्रेशर कुछ क्रेडिट्स? नहीं प्रेशर नहीं है, ऐसे प्रेशर नहीं है. लाइक जब हमने स्टार्ट ही किया था वी न्यू दैट वी हैड दिस वन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें एक अच्छी फिल्म बनानी है. मतलब उसको फोर्सफुली चीज़ों से नहीं भरना है, एक अच्छी कहानी हाथ में होगी तभी आगे बढ़ेंगे. और इसीलिए हमने मतलब ईजीली लिया उसको, टाइम लगा के काम किया. एंड एज ही सेड कि वी ऑल आर वेरी हैप्पी विद वॉट वी गॉट एज द फाइनल प्रोडक्ट. तो आई एम श्योर मतलब लोगों को पसंद आएगा, लोगों को मज़ा आएगा. चलिए ढेरों सारे आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में, तो ओवरऑल जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म को शूट का, फिल्म को क्रिएट करने का. सेम एक्चुअली मतलब लोग देख के भी यही बोलते हैं कि तुमने दोनों एक साथ शूट की थी क्या, क्योंकि वी वर्कड, हमने बहुत वी मेड श्योर दैट ठीक है हमें बनाने में चार साल लगे बट कहानी एक साल ही फॉरवर्ड होती है. तो वी मेड श्योर दैट कि बहुत ज़्यादा जंप ना हो किसी के उसमें, और एक सेटिंग और एक दुनिया वो सेम रहे, क्योंकि वही दुनिया लोगों को बहुत पसंद आई थी. उस दुनिया में क्या नया हो रहा है, दैट इज़ वॉट द न्यू फिल्म इज़ ऑल अबाउट. तो बाकी लास्ट टाइम जैसे था कि सब लोग बहुत फ्रेश थे, मेरी सेकंड फिल्म थी वो वाली, बहुत लोगों की फर्स्ट फिल्म थी. तो इस बार तो वो एक जो दोस्ती बनी थी वो मतलब इस टाइम वो एक ऑटोमेटिक में था कि हाँ आप आए हो और आप ऑलरेडी मतलब यू नो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको फोर्सफुली बॉन्ड करना है या ये. सो देर वॉज दैट वन ईज जो था. ऑफकोर्स फुल ऑन मज़ा था, मतलब मस्ती वाली फिल्म है तो सेट पे तो मस्ती चलेगी बिल्कुल, क्योंकि ढेरों सारे आर्टिस्ट हैं. तो अगर आप हमें कुछ बताना चाहें, क्योंकि एक तो हमें दिख रहा है ऋचा जी जो है नागिन के किरदार में दिखाई दे रही, तो आप थोड़ा अगर, क्योंकि आर्टिस्ट से भी हम बाद में बातें करेंगे, आप अगर थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर हमें कराएं तो. नहीं मतलब सी कैरेक्टर्स, हाँ ये नागिन है लेकिन वो आपको बता नहीं सकते, लेकिन वो नागिन का फिर शेर भी बन जाती है. ओह ऐसा, अभी मैं आपको और नहीं बता सकता, आपको उसके लिए 15 दिसंबर को आना पड़ेगा. जी कैरेक्टर्स तो वही है ना, कैरेक्टर्स में लाली है, ये जफर है, हनी है, चूचा है,
सब कुछ वही है, कैरेक्टर सेम है, कैरेक्टर सेम है, सिर्फ भोली का रूप बदलते जाते हैं, नागिन, शेरनी, उसके बाद फिल्म। तो कभी है फिल्म 15th ऑफ दिसंबर को आ रही है ये फिल्म, क्या कहना चाहेंगे आप लोग व्यूअर्स को, फैंस को की फिल्म? क्या आप ये डेट याद रखिएगा, आप मस्ट है एकदम देखना, एंड आपको जितनी फुकरे पसंद आई थी उतना ही आपको मजा आने वाला है विद, एंड यू मस्ट टेक kids and the entire family along to watch this film. So it's going to be this that wonderful experience. Fukre returns 15th of December. Correct. Absolutely correct. जी. तो अभी मेरे को कुछ और बोलना है. कुछ viewers को? नहीं नहीं, I'm saying एक अच्छी film बनाई है. And आपको part one पसंद आई थी. I'm sure you like the returns. So come and watch it. Have fun. जी. Easy film है. Holiday period है. Santa Claus भी आएंगे. Fukre returns भी आएंगे. Thank you, thank you, thank you so much, and wish you all the best. Thank you.